भाई मोटू रुक जाओ। मोटू जॉन को मेरे हवाले कर दो। मोटू तुम्हें चिंगम सर के कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। वो दोनों जरूर उस तरफ गए होंगे। गोल्ड लाके दो मुझे, मैं अपनी पावर्स लेकर अपने प्लैनेट पर चला जाऊंगा। क्या तुम मुझे ढेर सारा गोल्ड लाके दे सकते हो? जॉन जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी एनर्जी आपको वापस जरूर दिलवाऊंगा। रुक जाओ। अरे बाबा, हमारा सोना वापस करो, वापस करो। बड़े भैया, कुछ देर के लिए उधार ले रहा हूँ, एक एलियन को बचाना है, जल्दी ही लौटा दूंगा। लो जॉन भैया, हम पहाड़ पे आ गए। जॉन, अब जल्दी से तुम अपनी एनर्जी वापस ले लो, क्योंकि चिंगम सर आते ही होंगे। मोटू थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब तुम जाओ, मैं अकेले में एनर्जी चार्ज कर लूंगा। मोटू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। पहली बार बिना हाथ पैर मारे लूट का सारा माल मेरे पास चुंबक की तरह खींचा चला आया। तुम कौन हो? ऊपर से कैसे टपके? मैं एक एलियन हूँ, मैं उड़ता हुआ जा रहा था, सडनली मेरी पावर बीच में खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? एलियंस तो होते ही नहीं है। अरे तुमने खुद ही तो देखा कि मैं अचानक आसमान से तुम्हारे सामने गिरा। बस मुझे मेरी पावर वापस मिल जाए तो मैं अपने घर जा सकूंगा। तुम्हें पावर कैसे मिलती है? मुझे इंसानों से पावर मिलती है। मैं आप तीनों की थोड़ी थोड़ी एनर्जी ले लूंगा। पर तुम एनर्जी लोगे कैसे? It's very very easy. आ जाओ, तीनों साथ चलो। कौन है रे? कौन कर रहा है? तुम तो साउथ इंडियन हो, भोजपुरी अंदाज में कैसे बात कर रहे हो? हाँ, हम बिहार के साउथ का साउथ इंडियन हूँ। तुमको कोई तकलीफ है क्या? तुम हो कौन? हम दोनों भूत है। क्या बोला? तुम दोनों भूत हो? पर भूत तो अंधेरा में दिखता है ना, तुम रोशनी में कैसे दिख रहे हो? रुको, पहले जरा बत्ती तो बुझा दे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, डबल गम जब लठ चलावे। अरे चाचा जी, आप ठीक तो हो? किसी के चीखने की आवाज आई, कौन था वो? अरे कोई नहीं बच्चे, बस तो भूत आए थे,
हमने उन्हें उल्टे पैर भगा दिया। भूत, आपने उसको कैसे भगाया? रुको अभी बताता हूँ। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, डबल गम जब लठ चलावे। चाची मैं समझ गया। और जो भी रुपया पैसा है निकाल कर हमारे सामने रख दो, हम लोग बड़ा ही खतरनाक डाकू है। चिंगम इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। मैं तुम लोगों को पहचान नहीं पाया, क्या गेटअप लिया है तुम लोगों ने? चाचा तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। चिंगम सर मेरे भाई, मेरे यार, अब देख के जाओ हम कैसे आपके चाचा को डरा कर यहाँ से भगा देंगे यारी। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अरे तुम लोग कौन हो? हम लोग डाकू हैं, डाकू। हाँ, सुना है तुमने बहुत माल दबा कर रखा है, आज हम तुम्हें लूटेंगे। जरा एक मिनट रुको, थोड़ी बॉडी फार्म अप कर लूं, फिर मैं तुमको लूटूंगा। आप हमको लूटेंगे? नहीं नहीं, आप गलत समझे, हम आपको लूटने आए हैं। कैसी बात करते हो, तुम इतनी दूर से चलकर आए हो, मुझे कुछ खातिरदारी का मौका तो दो। बूढ़ी बाबा, तुम कुंडी क्यों लगा रहा है? दरवाजा बंद क्यों कर रहा है? ताकि अच्छे से खातिरदारी कर सकूं। ये लो चाबी, जेब में रख लो, ताला खोलकर बाहर जाने में काम आएगी। पतलू, मुझे तो चाचा के इरादे कुछ ठीक ठीक नहीं लग रहे। डाकू वाकू कुछ निकट नहीं आवे, डबल गम जब हाथ पैर चलावे। पतलू बचाओ, हमको पहलवान से लड़ने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। अब की बार पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है मानो सूरज आग उगल रहा हो, लोग गर्मी से पिघले जा रहे हैं। आह बड़े भैया, कहीं हम भी बाहर गए और गर्मी से पिघल गए तो? नहीं पतलू, मैं तो अभी बाहर नहीं जाऊंगा। अरे तो क्या दिन भर यहीं बैठे रहोगे? डॉक्टर झटका गर्मी से निजात पाने का कोई गैजेट हो तो दो ना प्लीज। ओ मेरे भाई, मेरे यार, अभी लो यार। ओ मेरे भाई, मेरे यारो, ये देखो मेरा लस्सी मेकर गैजेट। ये वाला बटन दबाओ और ठंडी ठंडी मलाई मार लस्सी पाओ। थैंक यू डॉक्टर झटका, ये लस्सी पी के जी को बहुत ठंडक मिलेगी। हाँ हाँ डॉक्टर झटका, और ये लस्सी हम राह चलते लोगों को भी देंगे, उन्हें भी गर्मी से ठंडी राहत मिल जाएगी। जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन, मेरे शैतानी दिमाग में एक कूल आइडिया जम गया है। अब वो सभी लोग जिन्हें मोटू पतलू लस्सी पिलाएंगे, वो मिलके मोटू पतलू का फालूदा बना देंगे, और वो भी बिना आइसक्रीम के।
लस्सी पीजिए। अरे वाह, लस्सी का प्याऊ, सुनिए हमें भी लस्सी पिलाइए। हाँ पियो पियो, ठंडी ठंडी लस्सी पियो। लस्सी बहुत अच्छी थी, थैंक यू। बॉस बॉस, आपने मोटू पतलू के लस्सी मेकर गैजेट में क्या डाल दिया? कुछ ज्यादा नहीं, मैंने लस्सी में एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर दिया है। अब जो भी लस्सी पिएगा उसके अंदर ठंडक की ऐसी लहर दौड़ेगी कि वो कुछ ही सेकंड में बर्फ की तरह जम जाएगा। अरे वाह, ठंडी ठंडी लस्सी। ओ भाई, तो लस्सी देना। जरूर, एक मिनट लीजिए। क्या ठंडा एहसास है। अच्छा, कुछ देर ठहर जाओ, ठंडक के पुतले बनने वाले हो। ये क्या हो रहा है, हम बर्फ से जम क्यों रहे हैं? ये क्या, हमें जमा दिया। ये हमारी लस्सी को पीते ही इन लोगों को क्या हो गया? डॉक्टर झटका की कोई भी इन्वेंशन झटके दिए बिना नहीं चल सकती। भागो यहाँ से। ओए बल्ले बल्ले। ओए मोटू, जल्दी से मुझे लस्सी पिला दो, अभी अभी प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ। हम आपको लस्सी नहीं पिला सकते बॉक्सर भैया। ओए, क्या बोला तुमने? जरा फिर से तो बोलो। बॉक्सर भैया, चाहे आप कुछ भी करवा लो, लेकिन हम आपको लस्सी नहीं पिलाएंगे। ओए, ऐसे कैसे नहीं पिलाओगे? लस्सी तो मैं पी कर रहूंगा। ओए, लस्सी मत पीना बॉक्सर भैया। आज पूरा फुरफुरी नगर मोटू पतलू को लस्सी की तरह मठ डालेगा और मलाई खाऊंगा मैं। पतलू, अगर बॉक्सर भैया ने लस्सी पी ली तो क्या होगा? मोटू बॉक्सर भैया तो लस्सी गटक चुके हैं। अरे अरे अरे, ये क्या पिला दिया तुम दोनों ने? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पतलू, ये लस्सी का प्याऊ तो मुसीबत बन चुका है, अब करे तो क्या करे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। अरे डॉक्टर झटका को ये लस्सी मेकर वापस करने चलते हैं। मोटू पतलू, अरे तुम दोनों ने तो मुझे लस्सी पिलाई ही नहीं, जल्दी से ठंडी ठंडी लस्सी पिला दो। चिंगम सर, हम आपको लस्सी नहीं पिला सकते। अरे मां, आप पर क्यों नहीं पिला सकते? क्या मशीन में लस्सी खत्म हो गई है? लस्सी है पर हम आपको नहीं पिला सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मां, मोटू पतलू, मैंने तुम दोनों को अपना जिगरी दोस्त समझा और तुम दोनों ने मुझे एक लस्सी के लिए पराया बना दिया। पूरी दुनिया को लस्सी पिला रहे हो और मुझे गर्मी में जला रहे हो। चिंगम सर, ऐसा मत बोलो। ये लो, आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी। मोटू, मोटू रुक जाओ, मोटू रुक जाओ। अयमा, ये क्या हो रहा है? अयमा, अम्मा, अम्मा, मोटू पतलू, तुम दोनों का मुझे लस्सी पिलाने का मन नहीं था तो बोल दिया होता, उसमें कुछ मिला दिया क्या तुम लोगों ने? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ओए मोटू, मेरे भाई, मेरे बड़े प्यार, ये देखो मेरा बनाया माइंड प्रिंटर, और इसको टेस्ट करने का सही मौका भी आ गया है यारी। माइंड प्रिंटर, इससे क्या होगा? इसको अपराधी के सिर पर फिट कर देना बस, उसके बाद तुम उससे जो भी सवाल पूछोगे वो उसका जवाब भले दे या ना दे पर दिमाग में तो जरूर सोचेगा। जैसे ही वो सोचेगा, इस प्रिंटर से उसके सोच के प्रिंट बाहर निकल आएगा यारी। बस फिर उसके बाद तुम लोग जाकर खोजबीन कर लेना। और थैंक यू भैया, हम अभी जाकर जॉन को टोपी पहनाते हैं। आ,
नहीं नहीं, ये क्या है? मैं इसे नहीं पहनूंगा, मैं इसे नहीं पहनूंगा। अब बताओ, पिछले महीने तुम कमलपुर गए थे और वहाँ पर कमलपुर बैंक को लूटा था। लूट का पैसा किधर छुपाया है? जॉन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने लूट का पैसा डेन में बरगद के पेड़ के पीछे गड्ढा खोद कर छुपा दिया है, पर चिंगम मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लूट का रुपया जॉन के डेन में बरगद के पेड़ के पीछे गड्ढा खोदकर छुपा रखा है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ए रबरी, सामान बरामद करो। जॉन आप बताओ, पिछले महीने गंगाराम ज्वेलर्स के यहाँ से लूटा हुआ जेवर तुमने किधर रखा है? समझो लूट का माल मिल गया चिंगम सर। वेल डन चिंगम, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो कुछ बता भी नहीं रहा हूँ, फिर तुम्हें मेरे ठिकाने के बारे में पता कैसे चल जा रहा है? बॉस बॉस, इन लोगों ने डॉक्टर झटका का कोई गैजेट आपको पहना दिया है, इसीलिए आप जैसे ही ठिकाना सोचते हो एक पर्ची निकलती है जिसमें सब लिखा होता है। बॉस, अपना आधे से ज्यादा लूट का सामान जब्त हो चुका है। अच्छा, तो इन लोगों ने मुझे टोपी पहनाने की कोशिश की। अब मैं चिंगम की सरकारी टोपी उतरवा कर ही दम लूंगा। जॉन, अभी तुम्हारे अपराधों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। आगे बताओ, तुमने सुरक्षा बैंक से जो लूट किया था वो लूट का माल किधर छुपाया है? पाया 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 पाया, किधर छुपाया? चिंगम सर कितने निष्ठावान, दयावान, कृपालु हैं। अरे उन जैसा बहादुर, तेज दरार पुलिस इंस्पेक्टर तो कोई और हो ही नहीं सकता। मेरी इतनी तारीफ। थैंक यू चिंगम सर, इतना भी ज्यादा खुश मत हो। जॉन और आपकी तारीफ करे, बात कुछ हजम नहीं हुई। ये उल्टी धारा कैसे बहने लगी? चिंगम सर बड़े ही भोले हैं। अरे उनको क्या पता कि मैं इतनी चोरियां मोटू पतलू के कहने पर ही करता हूँ। चिट्ठी में क्या लिखा था? जल्दी बको मतलब चिट्ठी पढ़ाओ। मैंने तो सारे गैर कानूनी काम पिछले महीने ही छोड़ दिए थे। मैं तो हिमालय पर जा रहा था, पर मोटू पतलू ने मुझे डराया, धमकाया और चोरियां करवाई। मैंने मना किया तो मुझे मारने की धमकी दी। मैं बेचारा क्या करता, चोरियां करता गया और मोटू पतलू की जेब भरती गई। मोटू पतलू, मैंने तुम्हें दोस्त समझा और तुम दोनों शातिर अपराधी निकले। चिंगम सर, ये आप क्या कह रहे हो? भला हम चोरी क्यों करेंगे? अरे सर, जॉन हमें फंसाना चाहता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। एरा पेरी, मोटू पतलू को लॉकअप में डाल दो। जॉन, आई एम रियली सॉरी। एरा पेरी, जॉन को बाइज्जत बाहर निकालो। आपने मुझे मोटू पतलू के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा दिया। बाय बाय मोटू पतलू। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।